नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। कर्नाटक में कांग्रेस और जेडीएस की सरकार गिरी, विश्वास मत में हारी सरकार। मात्र 99 वोट सरकार के पक्ष में गिरे तो बीजेपी को मिले 105 वोट। कांग्रेस नेता सिद्धरमैया ने कर्नाटक संकट पर बागी विधायकों पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। सिद्धरमैया ने कहा 25 करोड़, 30 करोड़, 50 करोड़, ये रकम कहां से आ रही है। उन्होंने कहा कि बागी विधायकों की सदस्यता रद्द हो जाएगी और उनकी राजनीतिक समाधि तैयार की जाएगी। विधायकों के इस्तीफे पर स्पीकर ने कहा कि जिन्हें ढंग से इस्तीफा लिखना भी नहीं आता है वो लोग स्पीकर के बर्ताव के बारे में बात कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं स्पीकर रहूंगा या नहीं, लेकिन ये सदन की अवमानना है। उन्होंने कहा अगर सदन की अवमानना की जाती है तो मैं त्याग पत्र देना चाहता हूं। कर्नाटक में सियासी संकट लगातार जारी। बेंगलुरु में राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। धारा 144 लागू, सभी पब शराब की दुकानें 25 तारीख तक बंद। लोकसभा में मोटर व्हीकल संशोधन बिल हुआ पास। ये बिल अप्रैल 2017 में लोकसभा में पहले भी पास हो चुका था, लेकिन राज्यसभा में बिल पास नहीं हो पाया था। असम में इस साल 18 जुलाई तक 214 लोगों की अक्यूट इंसेफ्लाइटिस से हो चुकी है मौत। केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने राज्यसभा में बताया आंकड़ा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की पहल का स्वागत किया है। वहीं उन्होंने भारत की प्रतिक्रिया पर हैरानी जताई है। इमरान खान ने कहा कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप के प्रस्ताव पर भारत के रुख से हैरान हूं। ट्रंप भारत और पाकिस्तान के बीच 70 वर्षों से जारी विवाद को हल करने के लिए पहल करना चाहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति के दावे पर राहुल गांधी ने कहा अगर ये सच है तो पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के हितों के साथ छल किया है। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने ट्वीट कर कहा कि पीएम देश को सच बताएं कि ट्रंप से मुलाकात में क्या बात हुई। विदेश मंत्री के बयान पर राहुल बोले कमजोर विदेश मंत्रालय के खंडन से बात नहीं बनेगी। बोरिस जॉनसन बने ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री। चुनाव में बोरिस जॉनसन ने जेरेमी हंट को दी मात। अब वो बुधवार को प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला लेते हुए असम नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स यानी कि NRC प्रकाशित करने की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। अदालत ने अंतिम लिस्ट तैयार करने के लिए NRC कोऑर्डिनेटर को 31 अगस्त तक का समय दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली का रेरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया है। इसके साथ ही आम्रपाली के 42,000 होम बायर्स को बड़ी राहत देते हुए कहा कि अब NBCC आम्रपाली के अधूरे प्रोजेक्ट्स को पूरा करेगी। कोर्ट ने कहा कि डायरेक्टर्स ने बायर्स के पैसे को कहीं और डाइवर्ट किया है। टेस्ट क्रिकेट की जर्सी में होगा बदलाव। ICC ने दी मंजूरी। अब टेस्ट मैच की जर्सी पर खिलाड़ी का नाम और नंबर लिखा होगा। इसकी शुरुआत अगस्त से शुरू होने वाले एशेज सीरीज से होगी। भारत की टीम भी वेस्ट इंडीज के खिलाफ होने वाले 2 टेस्ट मैचों में ये जर्सी पहनेगी। सोने के दाम में जबरदस्त उछाल। मंगलवार को सोने का भाव 35,915 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इसके पहले सोमवार को दिल्ली में 35,970 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किया गया था, जो कि एक रिकॉर्ड स्तर है। 100 से ज्यादा अंकों की उछाल के साथ खुला सेंसेक्स। 48 अंक गंवाकर 37,982.74 पर हुआ बंद, तो वहीं निफ्टी 15 अंक गिरकर 11,331 पर हुआ बंद। अब तक की खबरों में बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।